सरकार को। अब हमारा उम्र हो गया रिटायरमेंट का, हमको नियमितीकरण चाहिए। और नेता का झूठ बोलना, आश्वासन देना, वो लोग का पहला गुण होता है। आप मेरे साथ जमीन में बैठ जाइएगा, उससे वो हमको मंजूर नहीं, हमको सिर्फ नियमितीकरण मंजूर है, इसके अलावा कुछ नहीं। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा लगातार 5 घंटे सड़क पे बैठे के बाद आज मंत्री बन्ना गुप्ता इनके इनसे मिलने पहुंचे। मैम क्या बात हुई, क्योंकि वो आपके साथ बैठे हुए थे, आपको मिठाई भी खाई, तो क्या वार्ता हुई और निर्णय आखिरी आप लोगों का क्या है? हाँ, बहुत बहुत खुशी लगा कि हम लोग हेल्थ मिनिस्टर का द्वार में जब आए, स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत इंतजार करने के बाद अभी उनके पास उनके द्वार में हम लोग आए और वो हम लोग से मिलने के लिए आए, ये बहुत खुशी की बात है। और हम लोग सब हेल्थ डिपार्टमेंट के सारे बंधुओं, सिस्टर, नर्स और एलटीडीएस भाई लोग सब धन्यवाद दे रहे हैं। ठीक है कि स्वास्थ्य मंत्री जी हम लोग से मिलने आए हम लोग के पास और हम लोग की बातों को सुने और समझे। और उन्होंने कहा है कि 7 फरवरी को हम बैठक बैठेंगे और उसमें हम कुछ निर्णय करेंगे, उसके बाद आप लोग हमसे मिलते रहिए, जानकारी लेते रहिए और हम इसके लिए, इसके टीम को आप लोग एकजुट बनाए रखे रहे और हम लोग आपसे बात करके आपको रिजल्ट बताएंगे। हड़ताल आप लोगों का जारी रहेगा कि हड़ताल अभी खत्म? हड़ताल जारी रहेगा, हड़ताल जारी रहेगा जब तक अपने ये नहीं करेंगे। हमको कुछ भी मंजूर नहीं है, ये लड्डू खाने से हम नहीं मानने वाले हैं। आप मेरे साथ जमीन में बैठ जाइएगा, उससे वो हमको मंजूर नहीं है, हमको सिर्फ नियमितीकरण मंजूर है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते उनको पता होना चाहिए कि अपना स्वास्थ्य स्टाफ है, उनको कम से कम परमानेंट करके। हमारे साथ और मैम क्या बोल रही है? बोल रहे हैं ना कि देखिए मैं सर आए जमीन में बैठ गए, लड्डू खिलाए, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। हम 17 साल दे चुके सरकार को, अब हमारा उम्र हो गया रिटायरमेंट का, हमको नियमितीकरण चाहिए। और नेता का झूठ बोलना, आश्वासन देना, वो लोग का पहला गुण होता है, समझे? अगर हम लोग का परमानेंट होता तो हम लोग लड्डू और खाते, लेकिन हम लोग का परमानेंट नहीं हुआ है और हम लोग का नियमितीकरण ही चाहिए। आज 15 साल हम लोग लड़ के ही ये पार कर गए, आश्वासन ले लेके अपना 15 साल बर्बाद कर दिया और हम लोग बर्बाद नहीं करेगा। देखिए बहरहाल इन लोगों का तो साफ तौर पे कहना है कि ये अभी इनका जो आंदोलन है वो जारी रहेगा, हड़ताल पे ये लोग रहेंगे। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस मामले में क्या कहते हैं। नहीं, ये हमारे अनुबंध कर्मी हैं स्वास्थ्य विभाग के और काफ़ी समय से ये नियमितीकरण की बात कर रहे हैं। मैंने इनको कहा है कि अभी मैं रांची जाऊंगा तो हमारे ACS साहब से बैठ के इस पर विचार करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि ये मामला जो है ये केवल एक स्वास्थ्य विभाग का नहीं है, ये पूरे राज्य का मामला है। तो इस मामले को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत संवेदनशील हैं और अभी माननीय उच्च न्यायालय ने भी नियोजन नीति को रद्द वगैरह किया है, तो सारी चीज़ की समीक्षा करने के बाद देखेंगे बीच के रास्ते क्या हो सकते हैं, उसमें काम करें। बहरहाल स्वास्थ्य कर्मियों ने तो ये कह दिया है कि वो लगातार हड़ताल पे ही रहेंगे जब तक इनका नियमितीकरण नहीं किया जाता है। अब देखने की बात यह है कि 7 तारीख को जो रांची में बैठक होना है उसमें क्या निर्णय लिया जाएगा। मैं पीयूष मिश्रा, लाइव लगातार, जमशेदपुर।